दोस्तों आज की कहानी है बहु गूंगी हो क्या। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। अरे बहु सब्जी क्या बनाई है, सास ने एट कर बहु से पूछा। बहु ने जवाब नहीं दिया। अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ क्या बनाया है आज। बहु ने बिना जवाब दिए अंदर किचन में गई और थोड़ी देर बाद एक थाली में रोटी सलाद और सास की पसंदीदा बैंगन की सब्जी परोसकर सास के कमरे में सास के सामने रख कर आ गई। बड़ी अकड़बाज है रे, जब पूछा तब नहीं बोल सकती थी क्या। और ये रोटी किसके लिए परोस गई, मुझे नहीं खानी ऐसी रोटी। ले जा इसे यहाँ से, सास ने थाल उठा कर बेड के पास टेबल पर रख दिया। बहू ने सब देखा मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाली लाकर खाने को ढक दिया। दोपहर गुजरी, शाम आई। खाने को देख सास का मन तो ललसा रहा था मगर असली अकड़ तो सास में थी। बहू को इंसान ना समझ कर कुछ भी अनाप सनाप बोल देने वाली सास बाद में भी बहू से ही अपेक्षा रख रही थी कि बहू आए और सास को जी जी करते हुए फिर से अपनी बेइज्जती करवाई। लेकिन इस बार बहू ने तय कर लिया था अब वह एक सुप रहकर अपने फर्ज निभाएगी और साये कुछ भी हो लेकिन मुंह नहीं खोलेगी। देखते देखते रात हो गई, खाना वहीं टेबल पर पड़ा रहा। अब वक्त हो गया था बेटे के घर आने का। बेटा अपने काम से रात 9 बजे घर पहुंचता है। माँ का कमरा घर का पहला कमरा था और अदृश्य बेटा वैसे भी दिन भर की कमाई माँ को सौंप कर ही पानी का गिलास भर पीता है। यहाँ माँ उर्फ बहू की सास स्वयं ही अपनी अकड़ में भूखी बैठी हुई मुंह फुलाकर बैठी थी। क्या हुआ माँ, और ये क्या, ये तो सब्जी तो मेरी टिफिन में भी आई थी। ये तो दिन की सब्जी है ना, तुमने दिन का खाना अभी तक क्यों नहीं खाया। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर सली जाती है। तेरी मैडम मुँह से नहीं बोल सकती कि खाना खा लीजिए, मैं क्या चाहती हूँ। दो बोल कोई प्यार से बोल दे बस यही ना। सुबह से दो बार उस मैडम को पूछ लिया है कि खाने में क्या बनाया मगर गूंगी हुई है। एक यही सुंदर नहीं जो इतना घमंड है, इसे सास ने बातों को मसाले में लपेट कर परोस दिया था। बेटा भी जानता था कि ये आए दिन का किस्सा ही माँ का, इसलिए हूँ हूँ करते माँ को बहलाता रहा। लेकिन माँ एक सास भी थी, बहू के झुकाव के बिना काम आने वाली थी। कसरी में अब बहू को बुलाया गया। पति बोला क्या हुआ, आज माँ ने सुबह का खाना नहीं खाया, तुमने पूछा नहीं। बहू ने गर्दन हिलाई और कहा मैं नहीं बोल सकती। सास का पारा चढ़ गया, तनक कर बोलने लगी ये देख इसे क्या फर्क पड़ता है, मैं जीऊँ या भूखी मर जाऊँ, इसकी अपनी माँ ने भी यही सब किया होगा। तभी ऐसा सीख गई अब बहू के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। कोई औरत बिना बजे अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती तो बहू भी बोल पड़ी, मेरी माँ को क्यों बीच में लाती हैं आप, उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका, जो कहना है मुझे कहिए, मेरे माँ पापा तक पहुँचने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ, मुझसे बात कीजिए। ओहो तो तेरे मुँह में जनाब भी हैं, मेरे बात का जवाब देने के लिए तो तू सुबह से गूंगी बनी फिर रही है। गूंगी बनने पर आप ही ने मजबूर किया, कल शाम आप पड़ोसियों से क्यों झूठी शिकायत कर रही थी, मेरी घर की साफ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती, अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ इसे, ना जाने कौन सी बीमारी है, मायके वालों ने भी फ्री फंड में भेज दिया है, ना दान ना कोई दहेज, कब नहीं पूछा मैंने आपके रिश्तेदारों को। शादी को 1.5 साल ही बीता है लेकिन साल से ऊपर तक तो आपके रिश्तेदार यही आते जाते रहते थे, मेरे अकेले के आराम के लिए ही कोई जगह न होती थी घर में, उन्हें अपना कमरा तक सौंप देती थी मैं। अब जब मेहमान इतने दिन महीने साल तक आते जाते रहेंगे और हम पति पत्नी को आप अलग अलग कमरों में रखोगी तो कहाँ से होगी मेरी गोद भराई,
और रही बात दहेज की, तो आपने जिन बिसोलियों को बीस में डालकर पीछे पड़कर पकड़कर मेरा हाथ मांगा था, अपने बेटे के लिए मेरे जैसी सुंदरता पर मोहित हुई थी आप शादी से पहले। आज आपको वही सुंदरता सुभती है, घमंडी लगती हूँ मैं आपको। आपके उन बिसोलियों से पूछिए, उन्हीं ने कहा था कि आपसे वसन है कि मेरे घर में सामान की जगह नहीं है, इसलिए कोई दहेज नहीं चाहिए, बस बेटी सौंप दीजिए। तो भी मेरे घर वालों ने मेरे लिए लाखों की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई है। अब यही जवाब है, मैंने इन्हें कल भी दिया, आप भी यही मौजूद थे पति देव जी। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा? अपनी मैडम से कह दे कि इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगा कर रही, ज्यादा पटर पटर की तो मेरे घर से निकाला जाएगा। आपके सामने रोटी का थाल परोस कर जाती हूँ। बिना कुछ कहे तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी हो, लेकिन आप जो आए दिन मेरा तिरस्कार करती हैं, अपने शब्दों से ही मुझे नोस डालती हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके वालों पर भी अशब्द का इस्तेमाल करने से ही नहीं सूखती आप, तो क्या आपसे इस तरह मेरा मन जुड़ेगा? भला मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूं, और अगर मुंह खोलकर आपको आईना दिखा भी दूं तो आप जवाब देती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। मैं कब तक अपनी बेइज्जती करवाती रहूंगी? बस अब मैं अपने फर्ज सुपसाप निभाऊंगी, लेकिन आपसे मेल जोल या वार्तालाप नहीं करूंगी। आपको मुंह पर ताला लगा कर रहने वाली बहू चाहिए ना, तो अब से मैं गूंगी बहू ही बनकर रहूंगी। यह मेरे आत्म सम्मान के लिए अच्छा होगा। बहू के वसन सुनकर सास मौन थी, लेकिन कब तक ये तो कोई नहीं जानता था। दोस्तों, हमारे समाज में भी ऐसी न जाने कितनी सास है जो अपनी बहुओं के बोलने पर भी प्रॉब्लम होती है, और बिचारी सुपसाप फर्ज निभाए तो भी प्रॉब्लम होती है। अपनी बहुओं के साथ न जाने ऐसी सासे ऐसा घटिया व्यवहार क्यों करती हैं, और क्यों बार बार घर से निकालने की धमकियां देती हैं। जितना सास का अधिकार है उतना ही बहू का भी इस घर पर अधिकार है, तो फिर घर से निकालने की धमकियां क्यों देती हैं? न जाने ऐसी सासों की दिमाग ठिकाने पर कब आएगा। दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बहुओं को मान दे और सम्मान दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज की ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके पास हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।